लोग आवाज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे छोटा बच्चा बैठा है वहाँ पे बंदर का। ये देखो ये देखो ये वाओ सो क्यूट ब्रो लुकिंग टू क्यूट। हाय गाइस दिस इज कुमार राठौड़ से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वेल आज हम आए हैं रानी बाग जो कि आता है बाइकला में एंड इसका प्रॉपर मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा प्रॉपरली गाइड करूंगा कि आप यहां पे कैसे आए एंड यहां पे आपको आप अगर आप यहां पे आते हो क्या क्या आपको देखने मिलेगा ये प्रॉपरली मैं इस गाइड करके रखूंगा इस वीडियो में। लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत अमेजिंग ये वीडियो होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड बहुत अमेजिंग होने वाला है तो फिर मेक श्योर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाइकला जू जो प्रसिद्ध है रानी बाग के नाम पे, अगर आप मुंबई के कौन से भी साइड में हो तो आपको बस दादर की ट्रेन लेना है और दादर की ट्रेन के वहाँ से बाइकला की ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट बाइकला स्टेशन पर। बाइकला स्टेशन से आपको डायरेक्ट ईस्ट में उतर के आपको जस्ट वॉकेबल 5 to 10 minutes का वॉकेबल डिस्टेंस कवर करके आप पहुंच जाओगे बाइकला जू के एंट्री के पास। यहाँ पे टिकट का प्राइस बहुत ही सस्ते में है। 3 to 15 साल की उम्र के बच्चों का टिकट होता है 25 रुपया और अडल्ट का होता है 50 रुपया। अगर आप फैमिली के साथ हो तो आपको 100 rupees में मिल जाएगा टिकट। ओके सो वहाँ पे इसका एंट्री है एंड यहाँ पे मैप दिया गया है। सो इसके बारे में प्रॉपरली आपको गाइड हो जाएगा कि यहाँ से आपको क्या क्या दिखेगा। कुछ इस तरीके का गाइड दिया गया है। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए जाने वाले एलिफेंट के पास, तो हम लोग यहाँ पे हैं एंड यहाँ से भी एलिफेंट देखेंगे। एलिफेंट देखने के बाद बाकी जो भी है एनिमल्स आपको दिखाऊंगा। चलो जाके देखते हैं। हमें ये सब एनिमल्स दिखने मिलेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ से जाना है। ओके सो यहाँ पे एलिफेंट दिखेगा। सो कुछ इस वहाँ पे है वो, एज यू कैन सी कि वहाँ पे खड़ा है क्या कर रहा है भाई। आई थिंक ही इज़ जस्ट ईटिंग फूड। या एंड यहाँ पे भीड़ देखो। एक्चुअली आज ट्यूसडे है तो लोग इतने नहीं है, बट बाकी वेनसडे फ्राइडे सैटरडे के दिन एंड संडे रश भर के रहता है एंड वेनसडे को ये एक्चुअली क्लोज होता है। वहाँ पे एलिफेंट है एंड यहाँ पे अपने को दिखेगा लायन। एक्चुअली आई थिंक बैरिकेड लगाया गया है यहाँ पे, बट बंद है आई थिंक। बट यहाँ लेट्स सी यहाँ से क्या दिखेगा हमें। तो लाइन नहीं है, बाकी को कुछ और रहेगा तो आपको दिखा देता हूँ। लाइन रहना चाहिए था, सच्ची लाइन रहता तो मज़ा आता। तो यहाँ पे स्लॉट बेयर है बोले, लेट्स सी देखते हैं अंदर। तो ये कुछ इस तरीके का एंड यहाँ पे स्लॉट बेयर है। हम लोगों को लाइन नहीं दिखा अभी स्लॉट बेयर देखने का। स्लॉट बेयर दिख नहीं रहा स्लॉट बेयर, एज यू कैन सी क्यूट यार मस्त है। सो एज यू कैन सी ये देखो ब्यूटीफुल वाह। वो लोग झगड़ा कर रहे हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं तो अभी हम देखने जाते हैं कुछ और यहाँ से क्या। स्लॉट बेयर देख लिया एंड अभी जाते हैं कुछ और देखने को। यहाँ पे टाइगर टेरिटरी करके लिखा हुआ है, सो इट्स मीन यहाँ पे टाइगर रहेगा। तो अभी देखते हैं टाइगर, देखते हैं यहाँ पे दिखेगा क्या। नहीं टाइगर टेरिटरी एंड लेट्स सी कि यहाँ पे टाइगर दिखेगा क्या हमें। एक्चुअली लोग बहुत ज़्यादा है एंड इतने लोग हैं ना आज के दिन, इतने सारे लोग बहुत ही। टाइगर को देखने के लिए सब लोग भीड़ इकट्ठा करके खड़े हैं। अरे वाह वो देख लगभग। लायन तो देखने मिला नहीं बट टाइगर देखने मिला, बहुत अच्छा लगा एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए देखने के लिए, अच्छा लगा। बहुत लोग आए आज के दिन में, ट्यूसडे के दिन ऐसे इतने लोग हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा कि एक्चुअली ये जो रानी बाग है थोड़ा चेंज हो गया है, पहले जैसा था वैसा नहीं रहा। इन्होंने एक तरीके से इन्होंने बहुत कुछ अपग्रेड किया हुआ है एंड बहुत अमेजिंग बनाया है। ओके सो यहाँ पे एक वाइल्ड कैफे का क्या बनाया गया है एंड साथ में वॉशरूम भी है। सो अगर किसी को खाना रहेगा तो यहाँ पे खा सकते हैं एंड इधर वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए हिप्पो देखने के लिए। तो अगर जस्ट शो यू का कैसे दिख रहा है, ये पे हिप्पो है और नहा रहे वाह। सो इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है प्रॉपरली, नाइस वन यार। यहाँ पे बहुत सारे लोग तो आ गए एंड हिप्पो भाई भी अंदर मस्ती कर रहे बहुत। अरे भाई ये देखो भाई दिखा देता हूँ फिर से,
देखो प्रॉपरली यहाँ से क्लियरली दिखेगा, ये रहा हिप्पो, बहुत अमेजिंग दिख रहा है। पे है सांबर, वहाँ पे देख सकते आप, तो वहाँ पे है वो, फ्रेंडली है। तो अभी हमने सांबर तो देख लिया, एंड एक अच्छा चीज़ लगा कि दो जन थे, एंड एक बुरा चीज़ ये लगा कि एक्चुअली एलिफेंट एक ही था, एंड ऐसे टाइगर भी एक था, तो अगर दो तीन लोग ऐसे रहते साथ में अच्छा रहता। कि हम लोग आए हैं बंदरों के एरिया में, तो ये है बंदरों का एरिया अजिंक्य साइड, दिस इज मंकी एंड एप्स। ओके, तो मंकी और एप्स यहाँ पे है। ओ वाह, नाइस वन, आवाज़ कर रहे। तो वहाँ पे छोटा बच्चा बैठा है वहाँ पे बंदर का, ये देखो ये देखो ये देखो, ये रुक रहे, ए वाओ सो क्यूट ब्रो, लुकिंग टू क्यूट। दिस इज सीरियसली टू क्यूट, वाओ। ओके, सो अभी हम लोगों ने मंकी तो देख लिया, एक चीज अच्छा लगा कि मंकी देख लिया। तो अभी हम जाने वाले हैं डियर 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 और पेंगुइन, तो ये चीज को देखने के लिए यहाँ से जाने वाले हैं। सो ये स्वैम डियर का एरिया, इसके बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया नीचे, 20 से 25 ईयर के अंदर रह सकते हैं ये लोग। ये देखो वहाँ पे है, वहाँ पे स्वैम डियर है, अच्छे ये छोटे है यार, टू क्यूट। स्पॉटेड डियर है ऐसा बताया यहाँ पे, सो दिस इज स्पॉटेड डियर टेरिटरी, लेट्स सी यहाँ पे है क्या स्पॉटेड डियर दिख रहा है यहाँ पे। पे अंदर है वो लोग, वो रहे यहाँ से पेंगुइन का एरिया। सो सामने यहाँ पे जो है वहाँ पे हम लोग पेंगुइन देख सकते हैं। यहाँ से भी जाने का रास्ता है, तो यहाँ से आप यहाँ पे बर्ड पैराडाइज है, एंड टर्टल है, बटरफ्लाइज एंड एक्वा बर्ड्स करके भी है यहाँ पे, बट फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे पेंगुइन को देखने जाएंगे। पहले पेंगुइन, फिर बाकी सब। पहले हम लोग पेंगुइन देखेंगे एंड उसके बाद जो भी है देखते बाद में, बर्ड एंड ऑन ऑल, पहले पेंगुइन बाद में बाकी सब कुछ। नाइस वन, कुछ इस तरीके का है। अभी इन्होंने बहुत ही कुछ अपग्रेड किया हुआ है, लेट्स सी अभी अंदर क्या क्या देखने मिलेगा। तो एंट्री कर लिया, अभी जाके अंदर देखते हैं। 3D एक्वेरियम भी इधर है, यहाँ से पेंगुइन का एरिया चालू होगा यहाँ से। सो यहाँ पे लोग देख सकते हैं आप, भीड़ भाड़ का एरिया होगा। ओहो नाइस वन नाइस वन, एज यू कैन सी यहाँ पे पेंगुइन है, यहाँ पे पेंगुइन, यहाँ पे पेंगुइन है। एक्चुअली अंदर मोबाइल से वीडियो शूट करना है, आई मीन कैमरा एक्चुअली अलाउड नहीं था, तो अभी फिलहाल के जाते हैं बाहर और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ। तो ये है बर्ड पैराडाइज ये वाला, सो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे अपने को देखने को, लेट्स सी। बर्ड पैराडाइज में सिर्फ मैंने देखा ओनली पैरोट, बाकी और कुछ नहीं था। लेट्स सी बाकी और कुछ आया तो अच्छा है, बट इवनिंग हो गया है तो सब लोग घर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे टर्टल एरिया है, वहाँ पे है टर्टल्स, एज यू कैन सी वहाँ पे है टर्टल, ये एक रहा एंड वो एक रहा। और यहाँ पे जस्ट फर्स्ट अंडर वाटर क्रोकोडाइल व्यूइंग गैलरी आने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, सो डू विजिट। सो ये था रानी बाग के बारे में, एंड आई होप यू लव दिस वीडियो, सो मेक श्योर लाइक इट, कमेंट योर थॉट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू विजिट, एंड फैमिली के साथ तो बहुत अमेजिंग लगेगा, एंड डू विजिट, एंड टिल देन बाय।